इधर उज्जैन में दोहरे हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपियों के घर को जमींदोज किया गया। बता दें कि बीजेपी नेता और उनकी पत्नी की बदमाशों ने घर में घुसकर हत्या की थी। घर में रखी नकदी जेवर लूटकर बदमाश फरार हुए थे। वहीं पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए नाबालिग आरोपी को बाल सुधार गृह भेजा तो वहीं दूसरे आरोपी को रिमांड पर लिया। आरोपियों के मकान अवैध पाए जाने पर बुलडोजर चलाया गया। एक गंभीर घटनाक्रम हुआ था जहां पे बुजुर्ग दंपत्ति की निर्मम हत्या की गई थी। इसमें जो आरोपी गिरफ्तार हुए थे उनकी जो संपत्तियां थी उनकी जांच की गई थी, और क्योंकि वो अतिक्रमण में पाई गई थी, नियम विरुद्ध पाई गई थी, तो इसमें प्रशासन ने कार्रवाई करी है। कितने आरोपियों के मकान तोड़े गए हैं? इसमें हमारे द्वारा सिर्फ पूछा गया था कि कहाँ पे किसकी कितनी क्या संपत्ति है और उसके तहत जिनकी अवैध थी, और बाकी जो इस अपराध में नहीं भी थे उनके विरुद्ध भी ये विचाराधीन है।